वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो गाइस, इस चैप्टर में हम कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो हम इस वाले चैप्टर में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को निकालना सीखेंगे। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को निकालने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। देन हम इन इजी स्टेप से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकाल लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, उस फंक्शन को एफ एक्स में कन्वर्ट करना है। एफ एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, फंक्शन एन की टर्म में होगा, उसको हम एफ एक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप सेकेंड, हमने एप्सिलॉन को लेट करना है जो कि ग्रेटर देन 0 है। एंड उसके बाद हमने एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड सॉल्व करना है विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब उसके बाद स्टेप थर्ड में हमने एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालने के बाद हमने फोर्थ स्टेप्स में एम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू एम। और ये हमने तब निकालना है अगर हमारा जो ये एन है इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करता। अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे और हमारा ये फंक्शन कन्वर्ज भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ये एम निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा एन इन्फिनिटी को अप्रोच तो नहीं कर रहा। इफ़ इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन इट दिस फंक्शन नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। तो गैस अगर मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, उसके बाद हमने लेस देन लिख देना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 0 to infinity कुछ भी लिखा आ सकता है आपके पास। देन फंक्शन हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा यूनिफॉर्मली। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर फाइंडिंग यूनिफॉर्मली कन्वर्जन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू आर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। सो दिस इज द एग्जाम्पल। इन दिस बाई डेफिनेशन शो दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एस एक्स की पावर एन अपॉन एन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0। तो कह रहे हैं कि जो ये फंक्शन है ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, ये शो करो। तो इसको हमने शो करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं इन्हीं को फॉलो करना है। तो गाइस, अब हमने फंक्शन जैसे कि हमारे पास गिवन था क्या था, एक्स द पावर एन अपॉन एन। देन अब हमने जैसे कि स्टेप वन में मैंने आपको बताया था क्या करना है, हमने फाइंड एफ एक्स। तो एफ एक्स फाइंड करने का वे क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू, एंड जब इसमें वैल्यू पुट की एन इन्फिनिटी है 1/0, एन को 1/0 पुट किया तो ये सारी वैल्यू क्या बन गई, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने क्या बोला था, एप्सिलॉन को लेट करना है जो ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद हमने ये टर्म फाइंड करनी है, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एंड उसके बाद हमने एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स फाइंड करना है विच इज इक्वल टू, एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है और एफ एक्स की क्या है, 0। अब ये क्या है हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो गाइस, हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स निकाल लिया है। एंड अब उसके बाद स्टेप थर्ड में मैंने क्या कहा था आपको, एन फाइंड करना है। तो अब हम एन फाइंड करेंगे। एन कैसे फाइंड करेंगे, इसी टर्म से फाइंड करेंगे। जैसे कि एन साइड, एन को उस साइड ले गए और एप्सिलॉन को इस साइड लेंगे, तो एन ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि एन उस साइड गया है, एप्सिलॉन इस साइड गया है। तो ये चीज़ जरूर याद रखना है, इक्वालिटी का साइन एन की साइड ही रहेगा। एज जैसे कि हमारे पास गिवन है एक्स की वैल्यू 0 और 1 में बिलोंग करती है, मतलब एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर एक्स की पावर एन कर दिया जाए, 0 की पावर भी 0 ही होती है, 0 की पावर एन हो तो 0 ही होती है और 1 की पावर एन हो तो 1 नहीं होती है। इसका मतलब एक्स एन भी 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है। अब हमने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। यू नो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें आप पता होना चाहिए कि एक्स एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू एम निकालनी है हमने, एक्स एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1,
वन से ये मैक्सिमम हो नहीं सकता, वन के इक्वल है और वन से या फिर छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन। तो फिर इसका मतलब हमारे पास एक्सन कितना आ गया, वन बाय एप्सिलॉन। एन की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय एप्सिलॉन। तो एम क्या है, ग्रेटर है वन बाय एप्सिलॉन से। तो ऐसे करके गाइस हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो गाइस जैसे ही हमने एम निकाल चुके हैं, अब उसके बाद हमने कहना है जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है वो हमने क्या लिया था, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। अब एन ग्रेटर देन एम कैसे हुआ, जैसे कि हमने कहा था एन क्या है, ग्रेटर देन एक्स एन बाई एप्सिलॉन, और मैक्सिमम वैल्यू एक्स एन बाई एप्सिलॉन की क्या है, वन बाई एप्सिलॉन। तो एन क्या है, एम कितना आया था, वन बाई एप्सिलॉन, एन उससे भी बड़ा है क्योंकि एन क्या हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन एक्स एन बाई एप्सिलॉन। तो एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1, एंड इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू 0। तो ये गाइस केस है कन्वर्ज का। अगर ये कन्वर्ज नहीं कर रहा तो उसका केस भी मैं आपको बताती हूँ दूसरे एग्जाम्पल में। तो कन्वर्ज वाले केस में आपने ये सम ऐसे सोल्व करना है, जिस जिस सम में कन्वर्ज नहीं हो रहा होगा उस वाले केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी और जो हमारा एन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वो नॉट कन्वर्ज हो जाएगा। तो गाइस इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में नॉट कन्वर्ज वाला केस कराऊंगी। तो बाय गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।